इंडिया की टीम को इंग्लैंड में कोरोना वायरस का डर। श्रेयस अय्यर वापस आ गए हैं, नेक्स्ट कब खेलेंगे? इंग्लैंड का न्यू 2020 इंटरनेशनल टीम कैसा दिख रहा है और बहुत कुछ आज के एपिसोड में। दिस इज योर होस्ट समर जोशी फ्रॉम द स्पोर्टी पॉडकास्ट बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्टीज क्रिकेट वीकली। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गो। तो हर बार के न्यूज़ की तरह सबसे पहले हम राउंड अप करते हैं कौन से क्रिकेट के सीरीज चल रहे हैं। पहले इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की बात करते हैं। इंग्लैंड ने वाइट वॉश कर दिया है पाकिस्तान को। वनडे इंटरनेशनल सीरीज में 3-0 से इंग्लैंड के सी टीम ने पाकिस्तान के ए टीम को हराया। पहले दो मैच तो काफ़ी वन साइडेड थे, तीसरा मैच बहुत अच्छा था। बाबर आजम ने 150 मारा, काफ़ी अच्छा और क्लासी इनिंग्स खेला, पर फिर भी पाकिस्तान नहीं जीत पाए और इंग्लैंड 3-0 से जीत गए। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सीरीज, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज। और वेस्ट इंडीज़ पहले तीन मैचेस में ही उन्होंने सीरीज ख़त्म कर दिया और 3-0 से वेस्ट इंडीज़ सीरीज जीत गए। चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया जीत गए और अच्छा मैच था। लास्ट ओवर में 11 रन चाहिए थे और मिचेल स्टार्क ने 5 डॉट बॉल डाले, एंड्रयू रसेल को डिफेंड किया। क्रिस गेल ने 14,000 रन क्रॉस किए अपने कैरियर में, काफ़ी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और वो मिचेल मार्श भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है और शायद वो अपना प्लेस T20 में सील कर देंगे। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सीरीज, साउथ अफ्रीका वर्सेस आयरलैंड। पहले वनडे इंटरनेशनल में आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और सेकेंड ODI रेन के वजह से अबैंडन हो गया। कमिंग टूवर्ड्स द न्यूज, हमारी टीम जो इंग्लैंड में है फिलहाल, जो WTC फाइनल हार गए, इंडियन टीम सीनियर टीम, वो उसमें उनको एक महीने का रेस्ट मिला था। तो काफ़ी प्लेयर्स इधर उधर घूमने गए, कुछ प्लेयर्स विंबलडन देखने गए, कुछ प्लेयर्स इधर घूमने गए। उसमें ऋषभ पंत जो इंडिया के विकेट कीपर है वो कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो गए हैं। जी हाँ, वो यूरोस देखने गए थे, यूरोस का फाइनल इंग्लैंड और इटली के बीच में जो था वो देखने गए थे और फिर ऋषभ पंत पॉजिटिव हो गए। उनके साथ इंडिया का एक कोचिंग स्टाफ दयानंद गामाने भी पॉजिटिव हुआ है। विद्यमान साहा, अभिमन्यु ईश्वरम और कुछ लोगों को क्वारंटीन या फिर सेल्फ आइसोलेशन में रखा गया है। सेकेंड न्यूज़ ये आता है कि इंडिया इंग्लैंड के सीरीज के पहले एक प्रैक्टिस मैच खेलने वाला है, जो मैंने पहले के न्यूज़ में बताया था। तो वो प्रैक्टिस मैच इंडिया खेलेगा काउंटी सेलेक्ट 11 इन ये टीम के साथ। जो भी काउंटी टीम से इंग्लैंड में से उनमें से बेस्ट 11 को चूज करके इंडिया के साथ खेलने के लिए भेजा जा रहा है। तो इंडिया फेसेस काउंटी सेलेक्ट 11 फॉर द मैच। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज, वुमेन्स क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। इंग्लैंड वुमेन्स ने इंडिया वुमेन को सीरीज में हरा दिया। 2020 सीरीज था और 2-1 से इंडिया वुमेन ये सीरीज हार गई। इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं। इंग्लैंड का स्क्वाड 2020 स्क्वाड, जो ODI सीरीज का मैंने पहले बात किया, 2020 सीरीज आने वाला है और इस बार सी टीम नहीं होगी। इस बार 2020 इंटरनेशनल सीरीज में सारे सीनियर प्लेयर वापस आ गए इंग्लैंड के। बेन स्टोक्स को रेस्ट दिया गया, जो उन्होंने कैप्टन थे वनडे सीरीज में, और ऑयन मॉर्गन वापस आ गए हैं और सीनियर टीम है। तो देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे होगा ये सीरीज। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है इस सीरीज में क्या होगा। If you are liking this content and want more of such content, do subscribe to our channel for the regular videos. Coming towards the next news, India का next WTC का schedule आ गया है और India host करने वाली है श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका इंडिया में आएगी और इंडिया इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश को टूर करेगी नेक्स्ट WTC के साइकिल के लिए। WTC के बारे में ही बात करते हैं कि न्यू पॉइंट्स सिस्टम अनाउंस किया है ICC ने WTC के लिए। तो पॉइंट सिस्टम इस तरह है कि अगर एक टीम जीतती है तो उनको 12 पॉइंट्स मिलते हैं, अगर एक टीम ड्रॉ हो जाता है दो मैच में कि 6 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर मैच हार जाते हैं या फिर हार जाते हैं तो 4 पॉइंट्स मिलता है। तो 12, 6 और 4 इस तरह रखा है पॉइंट सिस्टम। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज, श्रेयस अय्यर जो 100 डेज हो गए इंजर होके, फर्स्ट ODI में इंजर हुए थे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पुणे में जो हुआ था, ही इज बैक टू ट्रेनिंग। उन्होंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर डाला कि ही इज बैक टू ट्रेनिंग और जल्द ही शायद वो IPL में वापसी कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने अपने पिछले YouTube वीडियो में कहा था कि उन्हें WTC लॉस का बहुत बुरा लगा था और उन्होंने वॉर क्राई करके लिया न्यूजीलैंड के सेलिब्रेशंस को, उन्होंने वो सच में बहुत सीरियसली बोला। और हम उससे देख सकते कि वो सरी क्रिकेट के साथ प्रैक्टिस मैच खेलने गए थे। जब सारे इंडियन क्रिकेटर्स घूमने गए हैं, फैमिली टाइम बिता रहे, रविचंद्रन अश्विन प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे हैं और उन्होंने उसमें प्रूव भी किया, 6 विकेट्स लिए वहाँ पे, काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, बॉलिंग ओपन
सरी के लिए रविचंद्रन अश्विन ने की, काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, ही इज़ अ वेरी वेरी डेडिकेटेड प्लेयर, ड्यूक बॉल इंडियन बॉलर्स को जमता नहीं है, इट्स वेरी टफ फॉर इंडियन बॉलर्स टू प्ले विद ड्यूक बॉल, एंड रविचंद्रन अश्विन इज टेकिंग हिज एफर्ट्स और वो ड्यूक बॉल से फ्रेंडशिप कर रहा है कि वो उससे बेहतर कर सके. सो कूडोज टू रविचंद्रन अश्विन फॉर डूइंग सच एफर्ट्स. आखिरी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, न्यूज़ नहीं पर एक वीडियो जो BCCI ने ट्विटर पर पोस्ट किया, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव शेराइड्स खेल रहे थे जिसमें युजवेंद्र चहल को रिकॉग्नाइज करना है कि कुलदीप यादव कौन से प्लेयर की एक्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने धोनी, ऋषभ पंत और काफी अदर प्लेयर की एक्टिंग की, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, व्हाट डिड यू फील अबाउट इट, टेल अस बिलो. दिस इज योर होस्ट समर जोशी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द स्पोर्टी पॉडकास्ट.